हेलो गाइस, मैं हूं रंजीत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेंटिन टेरेंटिनो की डायरेक्ट की हुई एक मास्टरपीस मूवी जिसका नाम है इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। ये एक ब्लैक कॉमेडी वॉर मूवी थी जो कि साल 2009 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड्स और नॉमिनेशन मिले थे। इसमें ब्रैड पिट और क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज़ की भूमिका सराहनीय योग्य थी। पहले मैं आपको मूवी के प्लॉट के बारे में थोड़ा बता दूँ। ये मूवी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की है जिसमें ज्यूइश और नाजीज की दुश्मनी को दिखाया गया है। इसकी स्टोरी एक ही समय में दो अलग अलग ग्रुप्स के बारे में है जो कि नाजी जर्मनी की लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। एक ग्रुप में शोसाना ड्रेफुस नाम की फ्रेंच ज्यूइश लड़की होती है जिसके परिवार को जर्मनी के कर्नल हंस लैंडा ने मार दिया होता है और वो अपने परिवार का बदला लेना चाहती है, और दूसरे ग्रुप को लेफ्टिनेंट ऑल्डो रेन, जिसका किरदार ब्रैड पिट ने निभाया है, अपनी ज्यूइश अमेरिकन टीम के साथ लीड कर रहा होता है जिसका नाम बास्टर्ड्स होता है, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जर्मन्स को मारना होता है। ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को नहीं जानते पर स्टोरी में इकट्ठे चलते हैं क्योंकि इनका मकसद एक ही होता है, जर्मन्स को मारना। रेन और शोसाना अलग अलग तरीके से हिटलर और नाजी को मारने का प्लान बनाते हैं, पर कर्नल हंस, जो कि शोसाना के पास्ट से भी जुड़ा होता है, रेन्स के ग्रुप को पकड़ लेता है और फिर वो अपने फायदे के लिए उनसे सौदा करता है और हिटलर को मरवाने में उनकी मदद करता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये मूवी का ज़्यादातर पार्ट फ्रेंच और जर्मनी में है और ये 5 चैप्टर्स में दिखाई गई है। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं साल 1941 में जर्मनी का ऑफिसर कर्नल हंस लैंडा नाजी ऑक्युपाइड फ्रांस में एक डेयरी फार्मर पेरियर लापेडीट से पूछताछ के लिए आता है। उस वक्त 1941 में फ्रांस पे जर्मनी का कब्जा होता है और जितनी भी ज्यूइश फैमिलीज होती हैं या तो वो छिपी होती हैं या उनको मार दिया होता है, और कर्नल लैंडा का काम होता है उनके बारे में हिसाब रखना और बाकी बचे ज्यूइश को ढूंढकर खत्म करना। कर्नल लैंडा को खबर मिली होती है कि ज्यूइश ड्रेफुस फैमिली जो बची हुई है वो यहाँ पे छुपके रह रही है, तो वो लापेडीट से कहता है कि अगर वो उसे उस फैमिली के बारे में बता दे तो वॉर खत्म होने तक उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तो लापेडीट अपनी फैमिली की भलाई के लिए कर्नल लैंडा को बताता है कि वो फैमिली फ्लोर के नीचे छुपी हुई है, और कर्नल लैंडा अपने सैनिकों को बुलाकर उन पे गोलियां चला देता है, लेकिन उसमें से एक लड़की भागने में कामयाब होती है जिसका नाम शोसाना ड्रेफुस होता है, और यही आगे चलकर हिटलर की मौत का भी एक कारण बनती है। यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अब चैप्टर 2 में हम देखते हैं लेफ्टिनेंट ऑल्डो रेन कुछ ज्यूइश अमेरिकन सोल्जर्स को अपने ग्रुप बास्टर्ड्स में रिक्रूट कर रहा होता है, जिनका मकसद होता है जर्मन लोगों को मारकर उनकी खोपड़ियों को अलग करके उनके दिलों में खौफ पैदा करना ताकि जर्मन्स ज्यूइश का नाम सुनते ही कांपने लगे। बास्टर्ड्स अपनी फौज में सार्जेंट हुगो स्टिगलर्स को भी भर्ती करते हैं जो कि एक जर्मन होता है, और वो काफी फेमस होता है क्योंकि उसने अकेले ही 13 गेस्टापो ऑफिसर्स को मारा होता है। फिर अगले सीन में हम हिटलर को देखते हैं जो अपने ऑफिसर पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो बास्टर्ड से काफी परेशान होता है। फिर हिटलर से मिलने एक जर्मन ऑफिसर प्राइवेट बुच जाता है। वो हिटलर को बताता है कि बास्टर्ड्स ने हमारी टुकड़ी पे हमला कर दिया था जिसमें हमारे सारे सैनिक मारे गए और सिर्फ मैं, सार्जेंट रैचमैन और लुडविग ही जिंदा बचे थे। फिर हम आगे देखते हैं कि लेफ्टिनेंट ऑल्डो रेन बाकी बचे 3 सोल्जर में से एक को बुलाता है और नक्शे पर उनके बाकी साथियों का ठिकाना बताने को कहता है, पर वो मना कर देता है जिससे बास्टर्ड्स का डॉनी उसे बैट से पीट पीट कर मार देता है। फिर बारी आती है प्राइवेट बुट्स की। वो डर के सब कुछ बता देता है और लेफ्टिनेंट रेन उसे छोड़ देता है, पर जाने से पहले उसके माथे पर चाकू से नाजी स्वास्तिक का निशान बना देता है। ये सब सुनकर हिटलर काफ़ी गुस्से में आता है और उसे कहता है कि इसके बारे में वो किसी और को ना बताए। यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। अब 3 साल बाद चैप्टर 3 में हम शोसाना को देखते हैं जो कि पेरिस में नाम बदलकर एक सिनेमा चला रही होती है। उसकी मुलाकात यहाँ फ्रेडरिक ज़ॉलर नाम के जर्मन सोल्जर से होती है जो कि एक वॉर हीरो होता है जिसने एक ही लड़ाई में 250 से ज़्यादा लोगों को मारा होता है। वो एक दो बार शोसाना से मिलता है और उसे पसंद करने लगता है। उसके ऊपर एक फिल्म बन रही होती है और वो चाहता है कि उस फिल्म का प्रीमियर शोसाना के सिनेमा में हो। तो वो डॉक्टर जोसेफ गिबल्स को, जो कि एक पॉलिटिशियन होता है और हिटलर के काफ़ी करीब होता है, कन्विंस करता है कि वो अपनी फिल्म का प्रीमियर शोसाना के सिनेमा में ही करे, और वो शोसाना को भी वहाँ पे डॉक्टर गिबल से मिलने बुला लेता है। फिर डॉक्टर गिबल शोसाना से उसके थिएटर के बारे में पूछता है और एक तरह से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता क्योंकि इससे पहले वो मूवी का प्रीमियर द रिट्ज़ नाम के सिनेमा में करने वाला था और उसके मुकाबले शोसाना का थिएटर काफ़ी छोटा होता है। फिर काफ़ी कोशिश के बाद डॉक्टर गिबल्स इस चीज़ पे मान जाता है कि पहले वो सिनेमा में एक मूवी देखेगा और फिर डिसाइड करेगा। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं कर्नल हंस लैंडा को, जो इस प्रीमियर का सिक्योरिटी चीफ होता है। वो शोसाना से कुछ सवाल पूछने के लिए उसे वहाँ पे रोक लेता है, पर कर्नल को उसके बारे में पता नहीं होता कि ये वही लड़की है जो बच गई थी। फिर वो उससे उसकी बैकग्राउंड के बारे में पूछता है और ये भी कि ये सिनेमा उसके पास कहाँ से आया क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र की होती है। फिर वो बताती है कि ये सिनेमा उसके आंटी अंकल का था जो मर जाने के बाद उसे मिला।
कर्नल लैंडा कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे सिनेमा में एक नीग्रो काम करता है। तो वो बताती है कि उसका नाम मार्सल है, जो कि एक फ्रेंचमैन है और वो प्रोजेक्टर चलाता है, और जब से सिनेमा खुला है तब से वो मेरे आंटी अंकल ने रखा हुआ था। कर्नल लैंडा कहता है कि उस शाम को प्रोजेक्टर तुम्हें खुद ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि रिच मिनिस्टर को निगरो लोग पसंद नहीं है। शोसाना मान जाती है। डॉक्टर गिबल्स उस शाम को सिनेमा देखने जाता है और उससे शोसाना का सिनेमा पसंद आ जाता है, और वो वहाँ पे अपनी फिल्म का प्रीमियर दिखाने को मान जाता है। फिर शोसाना के दिमाग में एक प्लान आता है कि उस रात काफ़ी नाजी उसके सिनेमा में इकट्ठे होंगे और यही मौका है उनसे बदला लेने का। तो मार्शल के साथ प्लान बनाती है उनको जिंदा जलाने का, और कहती है कि उनको बारूद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके पास 350 नाइट्रेट फिल्म के रोल हैं। नाइट्रेट फिल्म्स काफ़ी ज्वलनशील होती हैं जिसकी वजह से आग बड़ी जल्दी लगती है। तो वो कहती है कि हम सिनेमा ही जला देंगे जिससे सब नाजी खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पे चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। अब चैप्टर 4 शुरू होता है और हम देखते हैं ब्रिटिश रॉयल मरीन के लेफ्टिनेंट आर्ची ही कॉक्स को। ये पहले एक फिल्म क्रिटिक होता है और ये जर्मन भी बड़ी अच्छी तरीके से बोल लेता है। तो यहाँ पे आर्ची ही कॉक्स को अपने सीनियर से पता चलता है ऑपरेशन कीनो के बारे में, जिसका मकसद होता है उस सिनेमा को बॉम्ब से उड़ा देना जहाँ पे फिल्म का प्रीमियर होने जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक साथ सब सीनियर ओहदे के जर्मन्स इकट्ठे होंगे। और उसका सीनियर उसे बास्टर्ड्स के बारे में बताता है और कहता है कि जर्मन्स की एक मशहूर फिल्म स्टार जिसका नाम ब्रिजिट वॉन हेम्समार्क है, वो वहाँ पे तुम्हारी मदद करेगी। तो प्लान बनता है एक शराब खाने में फिल्म स्टार से मिलने का और आगे की प्लानिंग का। वहाँ पे ही कॉक्स के साथ बास्टर्ड्स के दो सदस्य ह्यूगो स्टिग्लिट्ज़ और विलहम विकी भी जाते हैं, क्योंकि वो जर्मन अच्छे तरीके से बोलते हैं। वो शराब खाना एक बेसमेंट में होता है, तो वो वहाँ जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पहले से ही कोई पार्टी चल रही होती है। फिर वो फिल्म स्टार हेमर्समार्क से मिलते हैं, पर वहाँ अपने एक्सेंट की वजह से पहचाने जाते हैं, और वहाँ पे मौजूद जर्मन सार्जेंट विलहम और गेस्टापो मेजर हेलस्टॉर्म को उन पे शक हो जाता है। फिर वो उनसे पूछताछ करने लगता है, पर हेमर्समार्क बीच में इंटरफेयर करके मामला ठंडा कर देती है। कुछ देर बाद ही कॉक्स अपने लिए 3 विस्की ऑर्डर करता है, पर उसके ऑर्डर करने के अंदाज से मेजर का शक यकीन में बदल जाता है और वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें सब लोग मारे जाते हैं और सिर्फ जर्मन का सार्जन विलहम और फिल्म स्टार हेमर्समार्क जख्मी हालात में जिंदा होते हैं। ऑल्डोरेन वहाँ पहुँचता है और विलहम से हेमर्समार्क को छोड़ने के लिए सौदा करता है, पर मौका देकर हेमर्समार्क विलहम को मार देती है। फिर रेन को हेमर्समार्क पे शक होता है कि उसने षड्यंत्र रचकर उसके दोस्तों को मरवाया है, और हेमर्समार्क को टॉर्चर करता है। पर हेमर्समार्क उसे अपना प्लान बताती है कि कैसे वो इन तीनों को अपने साथ अपना असिस्टेंट बनाकर ले जाने वाली थी, और उसे उस प्रीमियर्स की टिकट भी दिखाती है जिससे रेन को उस पर यकीन हो जाता है। पर मिशन उन तीनों के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। फिर हेमर्समार्क रेन को बताती है कि उस प्रीमियर में अब फ्यूरर यानी हिटलर भी मौजूद रहेगा। इससे रेन मिशन को कंटिन्यू करने का मन बनाता है और हेमर्समार्क को कहता है कि अब वो उसके साथ प्रीमियर में जाएंगे इटालियंस बनकर। रेन बनेगा उसका एस्कॉर्ट, डॉनी बनेगा कैमरामैन और ओमार बनेगा डॉनी का असिस्टेंट। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल लैंडा शूट आउट की जगह पर इन्वेस्टिगेट करने को जाता है, और वहाँ पर विलहम विकी और ह्यूगो स्टिग्लिट्ज़ की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ताज्जुब होता है क्योंकि जिसने जर्मन्स की नाक में दम कर रखा था वो बस ऐसे ही वहाँ पर मरे हुए मिले। और उसे वहाँ हेमर्समार्क का ऑटोग्राफ किया हुआ रुमाल और उसके सैंडल भी मिलते हैं। यहाँ पे चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। अब चैप्टर 5 में प्रीमियर का दिन होता है और शोसाना ने अपनी तरफ से सब तैयारी कर ली होती है। यहाँ पे बड़े बड़े जर्मन ऑफिसर और पॉलिटिशियन इकट्ठे हुए होते हैं। वहाँ बास्टर्ड्स भी इटालियन बनकर हेमर्समार्क के साथ आए होते हैं और ये सोचते हैं कि जर्मन्स को इटालियन नहीं आती जिससे वो आसानी से उन्हें बेवकूफ़ बना देंगे। वहाँ पे कर्नल लैंडा हेमर्समार्क को देखकर उससे बात करने को आता है। इस वक्त तक उसे बास्टर्ड्स के बारे में पता नहीं होता। फिर वो इटालियन बने बास्टर्ड से बात करता है और उसे उनके नकली होने का शक हो जाता है क्योंकि लैंडा को इटालियन बड़े अच्छे तरीके से आती है और बास्टर्ड्स वहाँ फंस जाते हैं। फिर वो डॉनी और उमार को उनकी सीट्स पर भेज देता है और हेमर्समार्क से बात करने को उसे रूम में ले जाता है। वहाँ वो उसे वही सैंडल पहनाकर देखता है जो उसे शूट आउट पर मिला होता है। चूंकि वो सैंडल हेमर्समार्क का ही होता है तो वो उसे बिल्कुल फिट आता है, तो लैंडा का शक यकीन में बदल जाता है जिससे वो उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। फिर वो रेन को और उसके साथी दूसरे साथी यूडीविच को पकड़वा देता है और कहीं सीक्रेट लोकेशन में बंदी बना लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कर्नल लैंडा का प्लान कुछ और ही होता है। वो रेन से एक सौदा करता है जिसके तहत रेन को बोलता है कि मैं हिटलर को मरवाने और मिशन को प्रोसीड करने में मदद करूंगा, पर उसके बदले रेन को अपने ओएसएस के सीनियर ऑफिसर से बात करके उसको रिवॉर्ड्स और इम्यूनिटी दिलवानी होगी। जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ओएसएस वर्ल्ड वॉर 2 टाइम की एक यूनाइटेड स्टेट्स की वॉर टाइम इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसे आज हम CIA के नाम से जानते हैं। तो रेन अपने सीनियर से बात करता है और उनमें डील फाइनल हो जाती है।
अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, शुसाना प्रोजेक्टर रूम में रुकती है और मार्शल थिएटर के सब दरवाजे लॉक करके स्क्रीन के पीछे आ जाता है और वहाँ पर 350 नाइट्रेट फिल्म्स के रोल के साथ अपनी पोजीशन ले लेता है। उनका मकसद होता है नाइट्रेट फिल्म्स को आग लगा के थिएटर को जला देना ताकि सब नाजी मारे जाएं। प्राइवेट जॉलर चलती फिल्म से निकलकर शुसाना से मिलने प्रोजेक्टर रूम में जाता है, पर शुसाना उसे अंदर नहीं आने देती, जिससे जॉलर गुस्से में धक्का देकर अंदर घुस जाता है। फिर शुसाना उसे दरवाज़ा बंद करने को कहती है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने को जाता है, शुसाना उसे गोली मार देती है, पर मरने से पहले वो भी शुसाना को गोली मार देता है और दोनों मर जाते हैं। फिर अंदर थिएटर में जैसे ही फिल्म क्लाइमेक्स पे पहुंचती है कि लास्ट में शुसाना का क्लिप पर्दे पे दिखाई देता है, जो उसने पहले ही नाजियों के लिए रिकॉर्ड किया होता है, जिसमें वो कहती है कि यहाँ मौजूद सब नाजी एक जीव के हाथों मरने जा रहे हैं। फिर पर्दे के पीछे खड़ा मार्शल नाइट्रेट की रील को आग लगा देता है, जिससे थिएटर जलने लगता है। तभी दूसरी तरफ उमर और डोनी भी दरवाजे के बाहर खड़े गार्ड्स को गोली मारकर ऊपर बॉक्स से सबको मशीन गन से भून देते हैं और लास्ट में उनके द्वारा रखा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहां मौजूद हिटलर और सब लोग मारे जाते हैं। वहां दूसरी तरफ लैंडा और उसका रेडियो ऑपरेटर रेन और यूडिविच को अपनी टेरिटरी से बाहर ले जाते हैं और वहां वो रेन और यूडिविच को आज़ाद कर देते हैं और अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। रेन रेडियो ऑपरेटर को गोली मार देता है और लैंडा के माथे पर नाजी स्वास्तिक का साइन बना देता है और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ और पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़िंदगी में एक बार ये मूवी ज़रूर देखें। इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।